कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पर अभी से जमकर टक्कर शुरू हो गई है मुनावर फारूकी वर्सेस प्रतीक सहजपाल, लेकिन इस टक्कर में एक कंपटीशन रख दिया गया है सोशल मीडिया पर और किसने बाजी मारी है चलिए आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिनेस्पीक्स, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप चाहे तो इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्योति नाहक 7 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस वक्त अभी तो शो की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी खतरों के खिलाड़ी का सिर्फ प्रोमो आउट हुआ है, कंटेस्टेंट्स के नाम आउट हुए हैं और अभी से सभी लोगों ने कंपटीशन शुरू कर दिया है। बहुत सारे नाम हैं इस सीजन में, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है जनता को वो है मुनावर और प्रतीक के बीच लड़ाई देखने की, मुनावर और प्रतीक के बीच कॉम्पिटिशन टास्क देखने की। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस वक्त कौन बाजी मार रहा है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चनिंग सेशन रखा गया है। जी ये क्वेश्चनिंग सेशन है, यहाँ दो ऑप्शंस है, पहला प्रतीक, दूसरा मुनावर। जी हाँ, लाइक फॉर प्रतीक, रीट्वीट फॉर मुनावर, और इसमें क्लियरली कौन जीत रहा है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सवाल ये है, दो बड़े फैंडम्स टकराएंगे तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड अनथिंकेबल, मुनावर फारूकी प्रतीक सहजपाल, आप किसकी साइड है। वेल इस मामले में अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा ही क्लोज कंपटीशन चल रहा है और जिसने जीत हासिल की है वो है इस वक्त के लिए प्रतीक सहजपाल। जी हाँ, ये प्रतीक का फैंडम इज वन ऑफ द बेस्ट फैंडम्स, वो कोई मौका नहीं छोड़ते प्रतीक को अप्रिशिएट करने का, और इसीलिए इस वक्त प्रतीक सहजपाल के लिए 585 लाइक्स आ चुके हैं, वहीं मुनावर फारूकी के लिए तकरीबन 358 रीट्वीट्स आ चुके हैं, यानी कि आप देख सकते हैं तकरीबन 100-150 पॉइंट्स का अंतर है। जहां एक तरफ मुनावर के लिए 358 रीट्वीट्स हैं, वहीं प्रतीक के लिए 585 लाइक्स आ चुके हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते ही चले जा रहे हैं दोनों के रिस्पेक्टिवली, बट फिलहाल के लिए प्रतीक लीड कर रहे हैं। प्रतीक फैम क्या है आपको कहना बताइएगा।